दिवाली एक ऐसा पर्व जो हमारे घरों को रोशन कर देता है, घरों के साथ साथ हमारा मन भी रोशन होता है। इसी रोशनी के त्यौहार की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के कान्हा उपवन में मौजूद हैं, कान्हा उपवन में, जहां पर इस बार गोबरमय विशेष दिए बनाए जा रहे हैं गोबर से, जो कि लखनऊ से अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जहां पर भव्य दीपावली होती है, दीप उत्सव मनाया जाता है, और इस बार इस दीप उत्सव में प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। ये पूरा क्या प्रोसेस है दिया बनाने का और कैसे बनाया जा रहा है ये विशेष दिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कान्हा उपवन के प्रबंधक हैं यतेंद्र त्रिवेदी जी, बात कर लेते हैं। सर क्या हाल है? बढ़िया एकदम। सर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही हैं। कल हमारी पहली खेप अयोध्या जाएगी और उसके बाद परसों और जाना दोबारा। अच्छा, पहले हमें इस विशेष दिए के बारे में बताएं, क्या है ये, किस क्या बोलते हैं इसको? देखिए, लक्ष्मी जी का वास जो है गाय के गोबर में ही होता है और ये गोबर के बने हुए दिए हैं। इनसे हम दीपावली का त्यौहार जब मनाएंगे तो अपने आप में एक आध्यात्मिक त्यौहार हो जाएगा, जो हमारी सार्थक पूजा होगी हो जाएगी। क्या क्या शामिल करते हैं बताएं जरा हमें? तो इसमें देखिए, गोबर पीस के हम लोग मिलाते हैं। ये गोबर हो गया हमारा 80% करीब गोबर रहता है और इसमें तालाब की ही मिट्टी जो है ये आपका 10% के आसपास रहती है। और ये ग्वारगम है जो बाइंडिंग एलिमेंट का काम करता है, 10% ये है। तो इससे मिला के पूरा आटे के तरीके सान के, आगे आइए जरा हमको दिखाएं जी, तो आटे के तरीके सान के फिर इसको दिए को सांचे में डाल के बनाया जाता है। हाँ, ये काम हो रहा है। हाँ, ये दिए ये सनाई हो रही है वहाँ पे, सामने दिखाओ भाई जरा। ये साना जा रहा है पूरा चीज इसको। हाँ, ये इधर भी देखिए साना जा रहा है। हाँ, तो ये इसको ये सानते किससे? पानी से? ये पानी से, जैसे आटा साना जाता है बिल्कुल वैसे ही इसको भी साना जा रहा है। और सानने के बाद में जब ये पूरा टाइट तैयार हो जाएगा, इधर आ जाइए, इधर आइए जरा। हाँ, आगे क्या आइए सर। अब ये जैसे तैयार हो जाता है, इसका सांचे में पन्नी लगा के इसको हल्का सा चिकनाई, ये चिकनाई हल्की से लगाई और ये साना हुआ लगा दिया गया और वापस इसको प्रेस करेंगे तो दिया हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा जी जी। अभी तो ये विशेष सांचे आप लोगों ने बनवाए हैं? हाँ, ये सांचे ऑर्डर विशेष ऑर्डर करके हम लोगों ने बनवाए हैं। अच्छा, अभी इसमें दिया जो है तैयार हो जाता है। अच्छा, ये पूरा शेप इसको जी जी। और ये एक दिन इसको सूखने में लगता है, फिर इसकी फिनिशिंग के लिए जो वहाँ पे महिलाएं बैठी हैं रेगमार से वो फिनिश कर रही है इसको, वो इसके बाद फिर उसको एक वो फिनिशिंग के बाद में फिर जो है इसको कलर करने का कार्य जो है वो हमारा वहाँ पे जारी है। एक तस्वीर। अच्छा, ये कितने परिवार इस काम में शामिल है? ये कान्हा उपवन के लगभग 250 गौसेवकों के परिवार हैं। हाँ, जो अपना नित्य काम भी कर रहे हैं, गायों को इनके पति लोग चारा डालने गए हैं। हाँ, तो ये लोग यहाँ पे काम कर रही हैं महिलाएं। हाँ, तो जब ये लोग खाना बनाने जाएंगी तो पति लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, तो ये मिला जुला के पूरे दिन भर का एक कार्य है जो चल रहा है अभी। अच्छा, ये 250 परिवार मिलकर कर रहे हैं? जी, 250 परिवार मिलकर। अच्छा, इस बार आपको अयोध्या जो भगवान राम की नगरी है वहाँ पर जो दिए भेजने हैं, कितना भेजना है? ये अभी हमको 50,000 अयोध्या भेजने हैं और 50,000 हमारा जो बिक्री के स्टॉल लगेंगे 22 तारीख से, उसके लिए हम तैयारी कर। अच्छा, बिक्री का स्टॉल कहाँ पे लगेगा? ये एक हजरतगंज में साउथ सिनेमा के पास में एक स्टॉल रहेगा, एक सहारागंज में रहेगा पुलिस चौकी के बगल में। हाँ, और एक CSI टावर में रहेगा। अच्छा, ये लखनऊ में आपके अलावा और भी कोई इस तरीके का दिए तैयार करता है, ये देसी पूरी तरीके से? कई गौशालाएं करती हैं लेकिन इस बार कहीं कर नहीं पा रही क्योंकि पानी बेमौसम में जो गिर गया था। अच्छा, चलिए आगे हम आपको और दिखाते हैं तस्वीर, बातचीत होती रहेंगी हमारी। अच्छा, ये इसके क्या क्या फायदे हैं थोड़ा हमें बताएं, कि जैसे गोबर से तैयार होता है, कौन कौन सी इसमें औषधि या पेड़ पौधे मिलाए जाते हैं? नहीं, जो मूर्तियां हैं उसमें हम गिलोय के बीज, तुलसी के बीज, क्योंकि हर साल दीपावली में सभी के परिवारों के यहाँ दीपावली में आपका मूर्तियां बदली जाती हैं गणेश लक्ष्मी की। अच्छा, तो बदलने के बाद में लोग करते हैं, उन्हें पेड़ों पर रख दिया या नदी में बहा दिया, विसर्जित कर दिया, तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता है। मगर ये गोबर की मूर्तियां आप कहीं पर भी रखेंगे, इसे खाद के तरीके काम में आएगा और बीज अंदर रहेगा तो एक नए पेड़ के सृजन का कार्य भी होगा, तो प्रकृति में कहीं ना कहीं ये सहयोग कर रही है, इको फ्रेंडली दीपावली आपकी बनेगी। जी जी। अच्छा भाई, देखिए घरों में लाइटें जितनी भी लगा ले मगर जो खूबसूरती और रोशनी होती है वो दियों से ही होती है। जी जी। अच्छा, लास्ट ईयर आप लोगों ने कितने दिए बनाए थे? लास्ट ईयर हमारे लगभग 2.5 लाख दिए थे जो यहीं पे लखनऊ में ही पूरा उपयोग में आ गया था। अच्छा जी जी। हाँ, और इस बार अयोध्या वाले हम लोग पहली बार वहाँ पे भेजने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है इस बार भाई? भगवान राम की नगरी से आप लोगों को विशेष आमंत्रण है भाई, दिए लेकर आइए, जलाइए। नहीं, ये बहुत बड़ा हमको गर्व महसूस हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे रहेंगे। हाँ, योगी जी भी रहेंगे। हाँ, तो वहाँ पे ये हमारे कान्हा उपवन गौशाला के दिए जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, लखनऊ वालों के लिए भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीरें ये दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से इन दियों में रंग भरा जा रहा है। ये देखिए, ये इन दियों में रंग भरने का काम किया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं जो मतलब अपने जो खाली समय है उसके बाद मतलब जो काम किया, फिर पूरा परिवार यहाँ पे एकदम जैसे घर के सब लोग एक साथ मिलकर त्यौहार में घर की सफाई करते हैं, घर की सारी चीजें करते हैं, रंग करते हैं, तो ये पूरा त्यौहार उसी तरह से त्यौहार जैसे ही मनाया जा रहा है। हाँ, जी जी, बनाया जा रहा है। हम यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से रंग बिरंगे दिए तैयार हो रहे हैं। विशेषकर ये गाँव में दिए कहे जाते हैं, ये स्पेशली दीपावली के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरा परिवार मिलकर यहाँ पे दिए बना रहा है। ये देखिए, आप देखिए, आंटी बैठी हुई है, बढ़िया एकदम तैयार कर रही है इसको। बात करते हैं अम्मा से। अम्मा क्या बना रही है?
दिया बना रहे हैं। दिया बना रहे हैं। आपको पता है कि इस बार यहाँ से दिए वहाँ अयोध्या जाएंगे भगवान राम की नगरी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगता है। प्रधानमंत्री भी वहाँ आएंगे? हाँ। आपके बनाए हुए दिए वो जलाएंगे? हाँ। अच्छा, पूरा परिवार मिलके ये काम करता है? हाँ, हाँ, अच्छा। पूरा परिवार गौशाला भरे, पूरा गौशाला भरे। अच्छा अच्छा, ये इस बार जो मतलब इधर कुछ सालों से आप लोग जो ये बनाती हैं, किस क्या क्या मिला रहता है इसमें? ये पाउडर, गोबर है, पाउडर है, मट्टी है। क्या बना रहे हो भैया? मट्टी बना रहे हैं, गोबर बना रहे हैं। गोबर बना रहे हो? गोबर से क्या बना रहे हो? दिया, 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 दिया बना रहे हो। ये आपका बेटा है? हाँ। अच्छा, आप सब लोग यही काम करते हैं? हाँ, सब लोग। अच्छा, चलिए ये देखिए एकदम कितना अच्छा यहाँ पे माहौल है, बच्चा सो भी गया है, बाकी लोग काम करें। क्या नाम है आपका? अनीता। अच्छा, तो आप भी दिए बनाती हैं? हाँ जी। अच्छा, कब से बना रही हैं? अभी कल परसों से बना। अच्छा, कल परसों नहीं, लास्ट ईयर भी बनाया होगा, पिछले साल बनाया था? हाँ जी। अच्छा, इस बार दिए अयोध्या भी जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि हम आपके दिए बनाए हुए प्रधानमंत्री भी जलाएंगे, भगवान राम की नगरी में चलेंगे। जी जी, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। चलिए और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिए बनाए जा रहे हैं और दिए में पूरा परिवार मिलकर रंग भर रहा है। ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, शिवानी आपने कौन से दिए में रंग डाला इसमें? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको दिया बना के? अच्छा लगता है। अच्छा, कितने दिन से बना रही हो? हाँ, चलो ये देखिए, आइए यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक अच्छा, कितना अच्छा कान्होपन में माहौल दिया गया है। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए कि ये बच्चा है, माँ के बगल में बैठा हुआ है और माता जी हैं जो इनकी, ये क्या इसको मतलब फिनिश कर रही हैं, फिनिशिंग का काम कर रही हैं आप, इसको मतलब रगड़ रही हैं। अच्छा, अच्छा, अगर ये जो फिनिशिंग नहीं होगी तो खुरदुरापन होगा इसमें। कैसा लग रहा है पूरा परिवार यहाँ मिलकर काम करता है, फिर दिए पूरे लखनऊ में जलेंगे, अयोध्या जाएंगे? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। चलिए, ये लगातार ये एक देखिए बहुत बड़ी सी छत है कान्हा उपवन का, ये पूरा जो है जहाँ पर ये दिया बनाने का काम किया जा रहा है, दिए में रंग भरने का काम किया जा रहा है, और यही रंग हमारे घरों में खुशहाली भरेंगे और उसके बाद जो है सभी के द्वार तक पहुँचेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे भी हैं जो प्यार से रंग भर रहे हैं। क्या नाम है हीरो? प्रांशु। प्रांशु, ये जो दिए बनाने का काम कर रहे हो? क्या नाम है? शोभित। शोभित, और कौन कौन तुम्हारे साथ काम करता है? पापा? पापा, मम्मी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये जो है पूरा हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और इसके बाद भैया फिर फाइनल प्रोसेस कहाँ तक होता है, पैकिंग वगैरह? पैकिंग चल रही है यहाँ पे हमारी। हाँ। पैकिंग गिनती करके उसको पैक करके रखा जा रहा है। हाँ। और उसमें रंग भी डब्बों में लिखा जा रहा है, वहाँ पैकिंग देखिए चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा वो भी दिखाइए। हाँ हाँ, आइए। हाँ, ये गिनती चल रही है। अच्छा, पैकिंग हो रही है यहाँ पे सबकी सारी, तो ये सब गिनती करके प्रॉपर रखा जा रहा है कि कोई भी हमारे स्तर पे कोई कमी ना रहे। कोई कमी ना रहे। जी जी जी, बिल्कुल। तो एक बार फाइनल हम आपको एक तस्वीर दिखाएं यहाँ पे कि ये देखिए, ये पूरे दीप अब जिनको फाइनली जिनको तैयार कर लिया गया है और उसके बाद अब इसको पैक किया जा रहा है। पैकिंग इनकी गिनती के साथ हो रही है और इधर दियों में अलग अलग आपको रंग के दिए मिलेंगे जिस पे रंग भरने का काम किया जा रहा है। ये पूरा परिवार मिलके काम करता है। तो राजधानी लखनऊ से इस बार राजधानी लखनऊ के कान्हा उपवन में तैयार किए हुए जो गाय का गोबर होता है, विशेष रूप से उसे दिए तैयार किए जा रहे हैं और ये दिए अयोध्या में भगवान राम की नगरी में ये जगमगाएंगे। और निश्चित रूप से जब यहाँ पे दिए जगमगाएंगे तो इसको बनाने वाले वो तमाम 200 परिवार, 250 परिवार जो शामिल हो रहे हैं, 250 लोगों का जो परिवार है वो मुस्कुराएंगे। अयोध्या में दीप जगमगाएंगे, इनको बनाने वाले कारीगर मुस्कुराएंगे। तो ये दिवाली पर हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं और उसके लिए दिए राजधानी लखनऊ में तैयार किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।